हेलो फ्रेंड, सांबर क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साउथ स्टाइल टमाटर की चटनी। इसके लिए हमें 4 चम्मच तेल डालना है। तेल गर्म होने पर इसमें 15 से 16 सूखी मिर्च डालेंगे। मिर्च डालने पर हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से चटनी का कलर अच्छा आएगा और चटनी भी अच्छी बनेगी। 1 किलो टमाटर लिया है। इन टमाटर को हमने काट कर रख लिया है। अब हमारी मिर्च रोस्ट हो गई है। रोस्ट होने पर हम कटे हुए टमाटर को ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रखेंगे। 1 से 2 मिनट होने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम 2 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, 50 ग्राम हमने सीडलेस इमली डाली है। इमली को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डालेंगे। ये चटनी हमारी इडली, डोसा, चपाती के साथ में खा सकते हैं और इस चटनी को हम ग्रेवी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इससे सब्जी झटपट बनकर तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बनती है। और बीच बीच में हम चटनी को चलाते रहेंगे ताकि हमारी चटनी जले नहीं। चटनी चलाते चलाते हमारा चटनी पक जाती है और तेल छोड़ देती है। तेल छोड़ने के बाद हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। ये चटनी खराब भी नहीं होती और कई दिनों तक सही रहती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। अब हमारी चटनी बन गई है। इसको ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पीसेंगे। इस चटनी को हम एयर टाइट जार में भर कर रख देंगे ताकि हमारी चटनी अच्छी रहे और ख़राब भी नहीं हो। चटनी पीसने के बाद हम इसमें छोंक लगाएंगे। छोंक के लिए हमने 1 कटोरी तेल लिया है। तेल गर्म होने पर इसमें 2 चम्मच चना दाल ऐड किया है, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड किया है, 1 चम्मच हमने सरसों डाली है मोटी वाली, 15 से 16 कली हमने लहसुन की डाली है, 1 चम्मच हमने हींग डाली है। हींग से इसका चटनी का टेस्ट अच्छा आता है और चटनी खराब भी नहीं होती। अब हम इसमें पिसी हुई चटनी को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए कैसा कलर है। चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू की